फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, काफ़ी समय से एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आई नहीं है। लास्ट फिल्म शायद मेरे को अगर याद आए तो गुप्त याद आती है, जिसके बाद शायद ही कोई बॉलीवुड में कोई उस लेवल का एक सस्पेंस थ्रिलर बना हो। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर है, तो अगर बोलूँगा तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो यही करूँगा, दुआ करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप 2 जून को जाइए, ये फिल्म देखिए और इसको बहुत सा प्यार दीजिए। आप अगर फिल्म के बारे में एक्साइटमेंट जो है वो मैं अभी कुछ बताया तो ख़त्म हो जाएगा। फिल्म के लिए किसी भी फिल्म के लिए कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट जी है, तो ये फिल्म के लिए आपने कास्टिंग कैसे फाइनलाइज की और मतलब क्या थॉट प्रोसेस था फिल्म का? जी कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा खुद ही कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे एक ऐसे एक्टर चाहिए थे इस फिल्म के लिए जो मेरे हिसाब से काम करें और जो मेरे स्केड्यूल को मैच करें। अगर शायद मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया मीडिया में कि मैंने ये फिल्म जो थी अपनी जॉब करते हुए बनाई थी, मैं आईटी फील्ड से हूँ तो मैं जॉब भी करता था, फिल्म भी शूट करता था। तो मुझे ऐसे एक्टर चाहिए पहले जो मेरे स्केड्यूल को मैच कर सके और मेरे हिसाब से काम कर सके। अगर उनको बोलूँ बैठ जाओ तो बैठ जाए, खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए। तो शायद अगर मैं नॉन एक्टर्स भी जाता जो मेरी रीच में थे तो शायद मेरे को वो फ्लेक्सिबिलिटी या वो मेरे को वो नहीं मिलती सपोर्ट उस लेवल की जो मुझे चाहिए थी। तो और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं फिल्म में जिनको जिनसे मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, उसके बिना काम नहीं होता था। आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि वो क्यों इस टाइप की कास्टिंग को मैंने एक इस टाइप की कास्टिंग की है इस फिल्म के लिए। सर अगर म्यूजिक की बात करें, तेरे लम्स में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सोलफुल गाना है, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने गाने के लिए? प्रिपरेशन सिंपल थी, गाने के अल्फाजों को समझना था, गाने के सिचुएशन को समझना था जो मुझे सुनील भाई ने समझाया और प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से कंपोज किया इस गाने को। सो बस मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं अपनी आवाज़ से उस गाने को जस्टिफाई कर सकूं, उसके कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, सिचुएशन सबको मैं जस्टिस कर सकूं, निभा सकूं। मैंने कोशिश की है और लोगों को आज पसंद आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हम लोग ने आपको बहुत सारे गाने गाते हुए सुना है, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जॉनर हैं, क्लासिकल है, जैज़ है, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आगे और ड्रीम हो आपका? अगर एक्सप्लोर करना होगा तो फिर मुझे अपना इंडिपेंडेंट सिंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म म्यूज़िक में स्कोप नहीं होता है एक्सप्लोर करने का। फिल्म म्यूज़िक में सिचुएशन फिल्म की होती है तो उसको निभाना पड़ता है एज ए प्लेबैक सिंगर। तो वैसा कुछ अभी फ़िलहाल तो मुझे मौका मिला नहीं है करने का, बट अगर कोई सिंगल में करता हूँ कभी तो आपको सुनने मिलेगा कुछ। तो इस गाने की अगर बात करें तो क्या सिचुएशन दी गई थी आपको और अगर दो गाने हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए? इसकी उन्होंने जैसे बताया था कि ये एक ही रोमांटिक सॉन्ग है फिल्म में, और तो ये एक ही रोमांटिक सॉन्ग है, थोड़ा सा जो एक रोमांस का एलिमेंट दिखाई देगा फिल्म में वो इस गाने में आएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था ये गाना और तो उस वजह से प्रेशर भी था कि अच्छे से निभाना है उस गाने को। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि अच्छे से गाऊं उस गाने को समझ के, और बहुत मज़ा आया मुझे रिकॉर्ड करते हुए गाना, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है प्रकाश की। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये गाना लोगों को आज पसंद आ रहा है बाहर। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने इस गाने को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें तो बहुत मज़ा आएगा। दो लाइनें अगर बिल्कुल ज़रूर वही तो कर रहा हूँ सेम दो लाइन फिर से गाता हूँ अभी। तेरे लम्स ने मुझे जिंदा किया, अगर गाने की बात करें तो किस तरह का गाना होने वाला है और दिखाया है ज़्यादातर एग्रेशन, पेन, और आई थिंक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर यू नो हीरो की लाइफ में एक दौर चलता है जहाँ पे वो बहुत पेन से गुजरता है, उस सिचुएशन का ये गाना है। एंड बहुत ही अच्छे लिरिक्स लिखे गए हैं एंड प्रकाश सर ने इसको बहुत अच्छा कंपोज किया है, और रॉक जॉनर का है और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, मैंने कभी मतलब प्रॉपर रॉक गाया नहीं था। एंड उसको बहुत ही तरीके से गा के कोशिश करी थी एंड फाइनली हम लोग इस जो फाइनली जो गाना रिकॉर्ड हुआ उस पे टोन पे हम लोग अग्री हुए थे एंड बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने रिकॉर्ड किया था, काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड किया था एक्चुअली। एंड यस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का। जैसे सर ने कहा कि फिल्म म्यूजिक में ज़्यादातर एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन एल्बम में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो आजकल जो है गाने को रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई गाना आपके जहन में है जिसको आप रिक्रिएट करना चाहेंगे और आपका सबसे पसंदीदा गाना? रिक्रिएट कुछ होता नहीं है एक्चुअली, मतलब जो क्रिएट हो चुका है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब अब
आप उस गाने की जो ओरिजिनलिटी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि रिक्रिएशंस एक बहुत ही सेफ गेम है कि आप ऑलरेडी एक हिट गाने को वापस रिलीज करके उसको हिट करा रहे हो प्रमोट कर करके। आई थिंक ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं मर रही है कंपोजर्स की, या जो भी नए लोग हैं जो आज अपना नाम करना चाहते हैं बहुत ही कम टाइम में, जिनको नाम और शोहरत और सब कुछ चाहिए। मुझे लगता है पेशेंटली अगर काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपना एक अलग नाम बना सकते हो, आपकी एक अलग पहचान हो सकती है। तो रिक्रिएशन में आप कहीं ना कहीं घूम जाओगे और आपको बस रिक्रिएटर का एक स्टैम्प मिल जाएगा, बिकॉज हमारे बॉलीवुड में म्यूज़िक में थप्पा लगना बहुत ईजी होता है कि ये तो यही काम करता है, ये तो यही काम करता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखनी चाहिए और दुनिया को कुछ नया देना चाहिए। जो दे के चले गए हैं वो लोग लेजेंड्स थे, आप भी खुद लेजेंड बन सकते हो, तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जी सर, ये तो हुई म्यूजिक की बात, और आपके गाने की अगर दो लाइन हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। बिल्कुल। कब तक चलेगी साली, कब तक चलेगी साली, तकदीर बंद घड़ी है, एक दिन चलेगी साली, एक दिन चलेगी साली। थैंक यू। राइटर का पार्ट आप जैसा बोले वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन सुनील भाई साथ में थे मेरे, तो उन्होंने मेरी पूरी डिफ़िकल्टी आसान कर दी। बेसिकली उन्होंने मुझे इतना फ्री छोड़ दिया काम करने के लिए कि आपकी फिल्म है और आपको जैसा लगता है आप जो 100% आप दे सकते हो, जितना बेटर आप दे सकते हो, आप गाने बनाइए इस फिल्म के, तो वो बड़ा मेरे लिए बहुत ईजी हो गया उस बात में। तो फिल्म में कितने सॉन्ग हैं जानना चाहेंगे? फिल्म में ओवरऑल 5 गाने हैं और उसमें 2 अनप्लग्ड वर्जन्स हैं। इसमें फर्स्ट ट्रैक जो टाइटल ट्रैक है वो बंजोस ने गाया है, तो इट्स अ थ्रिलर टाइप ऑफ अ सॉन्ग। और एक गाना है इसमें जो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, तेरे लम्स ने, जो मोहम्मद इरफान जी ने गाया है। और उसके बाद में एक है, एक सैड गाना है जिसमें कि आपको एक यूथ का एक फ्रस्ट्रेशन, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब पूरी लाइफ में उसका सब कुछ खो चुका है जो, तो उसका एक फ्रस्ट्रेशन वाला गाना है जो सैड पूरा फील में है, लेकिन उसमें भी एक कहीं तो भी उसका एक उम्मीद की किरण उस गाने में है, वो मतलब मोटिवेशन उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक गाना है जो है वो ऐश किंग जी ने गाया, जो कि अब्रॉड में बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है वो गाना। और एक दीवा कुमार जी का गाना, वही मैंने जो बोला जो सैड ट्रैक उन्होंने किया हुआ है, और एक हर्षदीप जी ने, उन्होंने गाया, हर्षदीप कौर जी ने गाना, बहुत सोलफुल सिंपल, मतलब बेसिकली उन्होंने तारीफ की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो फिल्म की बात की, फिल्म का एक दो सॉन्ग होता है जो लोगों के लबों पे हमेशा आ जाता है, बोलते दम लोगों, जैसे फिल्म आती है तो वो गाने लोगों पे आ जाती है, छा जाता है कि हाँ ये सॉन्ग है। तो इस फिल्म में जैसे आपने बताया कि 5 गाने, तो वो कौन सा गाना होगा जो लोगों के लबों पे गुनगुनाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा फिल्म, मतलब लॉन्च ट्रेलर से लॉन्च से रिलीज होने से पहले? सॉरी, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हर गाना कोई जो है अपना वो हर एक की जुबान पे, क्योंकि हम लोगों ने हर गाने के लिए उतनी मेहनत की है। तो मुझे फिर भी लगता है तेरे लम्स ने तो ऑब्वियसली लोगों के लबों पे आ चुका है। एक निक्का पाजी ने एक गाना गाया बहुत ऑसम, इसका लिरिक्स भी तनवीर भाई, जो तनवीर गाजी, जिन्होंने पिंक का लिरिक्स लिखा है, तो उनका वो जो गाना है क्रिमिनल अखिया, एक कुछ भी बहुत डिफरेंट थॉट है। तो ये गाना मोस्टली लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्लब्स में, डीजेस में, सब जगह ये बहुत बजने वाला है। अभी अभी मैंने दिव्या कुमार जी को पूछा था कि जब मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर्स कोई गाने को म्यूजिक देते हैं तो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एल्बम के लिए सिर्फ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर यूज़ किया गया है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहला थैंक्स मैं सुनील भाई को दूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल ये दौर चल पड़ा है कि हर फिल्म में आप देखो, एक फिल्म में 5 गाने हैं तो उसमें 3 म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में 5 भी है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। ये सुनील भाई ने मुझे बोला कि पूरी जिम्मेदारी थी, पूरी फिल्म आपकी है। और इवन एक बात आपको और मैं बताना चाहूँगा, इसका बैकग्राउंड भी जो है, एक हमारा जो एक यूरोपियन फ्रेंड है इहोमीर करके, वो और मैंने मिलकर बैकग्राउंड भी इसका हम लोगों ने किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, शुरुआत तो प्लेबैक सिंगिंग से ही हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े सिंगर्स अगर आप सोचें तो शायद ही किसी एक नए डायरेक्टर के साथ काम
करने के राजी होते हैं। तो अगर इतने बड़े सिंगर इस प्रोडक्ट में आए, इस फिल्म में आए, तो सोचिए कि पहला कम्प्लीमेंट तो सिंगर से ही मिला आप लोगों को जिन्होंने गाने गाए। वो इतना तारीफ़ किया उन्होंने, उन्होंने गाने देख के उन्हें कभी दूसरा थॉट नहीं आया, उनको क्वेश्चन नहीं आया कि हम नहीं गाएंगे। तो सबसे पहले तो सिंगर से बहुत अप्रिशिएट है। म्यूजिक डायरेक्टर लिस्ट राइटर तो उन्होंने जिन्होंने कंपोज किया वो तो बहुत ज़बरदस्त है, और जिसने भी सुना है हर जगह से तारीफ किया। तो फिल्म डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में फिल्म के दौरान क्या कुछ ऐसी बातें जो शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली दुबई से हूँ, तो क्या होता था कि जब हम को डिस्कशन करना होता था तो रात को 1 बजे हम कॉल करते थे स्काइप पे, और सुबह 4 बजे तक हम स्काइप पे ही डिस्कशन कर रहे होते थे कि इधर क्या करना है, इधर क्या होना, इधर क्या होना, इधर क्या है, इधर क्या है। तो काफ़ी स्काइप पे हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा डेली हमारे रात को 4 बजे तक डिस्कशन होते थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। और प्रकाश भाई ऐसे कि कभी इनको कभी ना तो मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ी, ना इनको मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ी। कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी, इनको म्यूज़िक का इतना समझ है, इतना अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ज़ीरो म्यूज़िक में, मुझे एज ए ऑडियंस जो समझता है वही है, लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बहुत बड़े लेवल की है। आप लोग तो देख रहे हैं कि बहुत दिनों बाद जिस तरह का जो थ्रिलर है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है फीलिंग, लेकिन इंडिया में उतना ज़्यादा इसका दबदबा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि इसे बढ़ाया जाए इस जॉनर को। आप किस तरह देखते हैं इस जॉनर को इंडिया में और इस फिल्म से? इस जॉनर को बहुत बड़े लेवल पर देखता हूँ, क्योंकि हमारा जो यूथ अभी कंट्री हमारे इंडिया में वो बहुत खासकर इस टाइप की फिल्मों को काफ़ी सराह रहा है। अभी जो नया यूथ है उनको लोगों को पसंद आ रही है, तो वो एक वैक्यूम था जहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई इस टाइप की फिल्म आई नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद इस जॉनर को फिल्म बनाया जाए और जो यूथ है उस साथ कनेक्ट किया जाए। अगर यूथ से हमारा कनेक्ट हो गया तो मतलब हमारा सब काम हो जाएगा। थैंक यू।